just what I praise of the Lord. कहानी की शुरुआत में 1973 का समय दिखाया जाता है जब चिली में राजनीतिक दंगे हो रहे थे और पूरी सरकार अस्थिर हो चुकी थी। अमेरिका जिसका नाम लीना है, लीना जब अपने पायलट और अपने कॉलीग के साथ फ्लाइट से वापस आ रही थी तभी वो अपने बॉयफ्रेंड डेनियल को देखती है जो चिली के लोगों के साथ मिलकर सेलो डोर को सपोर्ट कर रहा था। लीना अपने साथी से कहती है कि वो उन्हें 4 दिन बाद मिलेगी और इसके बाद वो डेनियल के साथ उसके घर जाती है जहाँ पे चिली के राष्ट्रपति सेलोडोर के बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं। दरअसल डेनियल सेलोडोर के पोस्टर बनाकर चिली के लोगों की प्रोटेस्ट में मदद करते हैं। हालांकि ये दोनों जर्मन है पर चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी है, इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। पर अगली सुबह डेनियल को उसके साथियों का कॉल आता है जिसके बाद डेनियल पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। फुलीना को बताता है कि ऑगस्टो पिनोशे जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उसने पूरी चिली पर कब्जा कर लिया है। उसकी आर्मी उन लोग को पकड़ रही है जो सेलोडोर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये लोग भागने के लिए घर से बाहर आते हैं, बाहर इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। इन दोनों को एक कैंप पे ले जाया जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे और तभी आर्मी वाले एक आदमी बुलाते हैं जिसका चेहरा ढका हुआ था और वो लाइन में खड़े लोगों की पहचान कर रहा था जो सेलोडोर के सपोर्टर्स थे। और जो सेलोडोर के सपोर्टर्स होते हैं आर्मी वाले उनको गोली मार देते हैं। वो आदमी डेनियल को भी पहचान जाता है और कहते हैं कि ये सेलोडोर्स के पोस्टर बनाते हैं और आर्मी सोल्जर उसे मारते नहीं है लेकिन उसे दूसरी जगह भेज देते हैं। और अगली सुबह लीना और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लीना को कुछ भी नहीं पता कि डेनियल कहाँ है, वो किसी भी हालत में डेनियल को ढूंढना चाहती है इसलिए उन ग्रुप्स के पास जाती है जिनके साथ डेनियल काम करता था। वो उन्हें बताती है कि डेनियल को एक एम्बुलेंस में किसी दूसरी जगह भेजा गया है। वो कहते हैं कि हम उस एम्बुलेंस को पहचानते हैं। डेनियल को कॉलोनिया भेजा गया है जो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। पिनोशे की पुलिस उन लोग को वहाँ पे भेजती है जो कैदी है, वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। हालांकि लीना चाहती है कि लोग उसकी मदद करें पर ये डेनियल की मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि प्रोटेस्ट की लड़ाई किसी एक इंसान के लिए नहीं है, हमारे पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है और वैसे भी हम छुपने जा रहे हैं। वही डेनियल को दिखाया जाता है जिसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसके दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे डेनियल बेहोश हो जाता है। वही लीना कॉलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है कि इस जगह जाना बहुत आसान है पर वापस आना नामुमकिन। इसके बाद लीना खुद एक नन बनकर कॉलोनिया जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उसे अंदर ले जाती है। ये जगह किसी जेल से कम नहीं होती। वो औरत लीना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे के अंदर पोल शेफर बैठा होता है। वो लीना से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लीना कहती है कि मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम ईश्वर समान हो। हालांकि पोल शुरू में उस पर शक करता है पर लीना उसे अपने बातों के जाल में फंसा लेती है और पोल को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत लीना को एक रूम में ले जाती है जहाँ पे और भी बहुत सारे बेड होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे सभी लड़कियाँ आ जाती है। इन सबको खाने के लिए टेबलेट दी जाती है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये टेबलेट्स उनको क्यों दी जा रही है। जहाँ पे लड़कियाँ बच्चे और पुरुष सब अलग अलग जगह पे रहते हैं जो किसी खास मौके पर ही इकट्ठा होते हैं। अगली सुबह लीना से आलू के खेतों में काम करवाया जाता है और उसी रात यहाँ पे एक आदमी की मौत भी हो जाती है जिस वजह से सभी औरतों और पुरुषों को एक हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पर पोल उस आदमी की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। सब उसकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं पर लीना जानती है कि आदमी ढोंग कर रहे हैं। वही डेनियल को दिखाया जाता है जिसे यहीं पर एक कारखाने में रखा गया है, उसे कारखाने में काम करने के लिए रखा गया है। डेनियल की दिमागी हालत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। यहाँ पे डेनियल को हंस के नाम से बुलाया जाता है ताकि उसे कभी अपनी असलियत के बारे में पता ना चले। अब रात को जब लीना अपने सभी साथियों के साथ सो रही थी तभी वहाँ पे वो और लेडी आती है जो इन सभी लड़कियों की इंचार्ज है और इनमें से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर लीना उसका पीछा करती है। लीना खिड़की से देखती है कि वो लड़की अंदर बैठी है और उसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे हैं। दरअसल वो इन्हीं में से एक आदमी के साथ शादी करना चाहती है जिससे वो 3 साल पहले मिली थी। अब पोल को ये बात पता चल जाती है इसलिए उस आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की के अंदर बुरी आत्माओं का सय है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। और इस आदमी को ना चाहते हुए भी उस लड़की को जिससे वो प्यार करते हैं उसे मारना पड़ता है। इसके बाद पोल यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबको उस लड़की को सजा देने के लिए कहते हैं। लीना खिड़की से ये सब देख रही थी और वहीं उसे डेनियल भी दिखता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो समझ जाती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है
पृथ्वी एक आदमी लीना को देख लेता है, पर इससे पहले कि पॉल उसे देखता, लीना भागकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पे सो जाती है। पॉल यहाँ पे आता है और देखता है कि सभी लड़कियाँ सो रही है, इसलिए उन सभी लड़कियों के इंचार्ज को बुरी तरह से मारता है। पर उसे कहीं न कहीं शक जरूर है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीना ही है। इसलिए अगली रात एक बार फिर से आदमियों की उसी तरह से गैदरिंग होती है जिस तरह एक रात पहले हुई थी, और सबके सामने लीना बैठी होती है। पॉल सबको कहता है कि लीना के अंदर पूरी आत्मा है। वो लीना को मारता है और सबको उसे मारने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ डेनियल को दिखाया जाता है। डेनियल की दिमागी हालत एकदम सही है, वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है। और अब वो वहाँ से टॉर्च लेकर बाहर निकलता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, पर उसका पैर एक तार से टकराता है जिस वजह से यहाँ का सायरन बज जाता है। और हॉल में बैठे सभी आदमी जो लीना को मारने वाले थे वो सबके सब बाहर आ जाते हैं। डेनियल लोहे की दीवार को लांघना चाहता है, पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि डेनियल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए शायद वो यहाँ तक आ गया। अब लीना को भी यहाँ पे 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। पॉल कॉलोनिया में रहने वालों के साथ ना सिर्फ अत्याचार करता है बल्कि वो छोटे बच्चों का शोषण भी करता है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ कॉलोनिया के अंदर कुछ गेस्ट आते हैं, और जब भी कॉलोनिया में गेस्ट आते हैं तो मेल्स और फीमेल्स दोनों इनका एक साथ स्वागत करते हैं। वो बाहर से आए हुए गेस्ट को ये दिखाते हैं कि यह सब कुछ बहुत अच्छा है, शायद उनकी जिंदगी खुशहाल है। और पहली बार डेनियल लीना को देखता है, डेनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना कहती है कि आज उसकी आलू के गोदाम में ड्यूटी लगी है, वो उसी रात को वहाँ पे मिले। और जब डेनियल का इंचार्ज सबको ड्यूटी दे रहा था तो डेनियल गार्ड से ड्यूटी ले लेता है, और वो आलू के गोदाम में पहुँच जाता है जहाँ पर लीना होती है, जहाँ पर डेनियल लीना से माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दिन उसके फोटो खींचने से लीना आज उसके साथ यहाँ पे फंसी हुई है। पर लीना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था और वो यहाँ पे सिर्फ उसके लिए आई है। बात करते करते डेनियल का पैर एक नीचे खोखली जगह से टकराता है, और जब उसे वो देखते हैं तो एक तहखाना था। और डेनियल जब अंदर जाके देखता है तो यहाँ एक लंबी सुरंग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी बाहर लीना को गाड़ी की आवाज आती है। लीना डेनियल को आवाज लगाती है और तहखाने के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देती है। अब यहाँ लीना की इंचार्ज आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वही डेनियल जब सुरंग में आगे बढ़ता है तो वो उस रूम को भी देखते हैं जहाँ भी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, और ये रूम देखकर वो आपे से बाहर हो जाते हैं। अब अगले दिन डेनियल के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे एक नर्स भी होती है जो लीना के साथ रहती है, और जब वो डेनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़ों में उसे क्रॉस मिलता है जिसके अंदर लीना और डेनियल की फोटो होती है। ये क्रॉस लीना ने डेनियल को दिया था। नर्स समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ हैं और इसी के लिए लीना यहाँ पे आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से लीना और डेनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं, जहाँ पे डेनियल लीना को बताता है कि ये सुरंगे मीलों लंबी फैली हुई है। मैंने यहाँ पे एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह से लॉक्ड है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कॉलोनी से बाहर जाता है। हमें कल रात को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक बार अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये मुझे जहरीली गैस से देके मार देंगे। वो लीना को बताता है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे एक कैमरा मिला है जिससे मैंने अंदर टॉर्चर रूम में सुरंग की फोटो खींच ली है। तभी नई गाड़ी की आवाज आती है और लीना समझ जाती है कि तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
करते हो।